जिले में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गई है। मवेशियों से पहले ये तबाह किसानों को इस बार हुई बेमौसम बारिश की वजह से बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। महंगी हो चुकी जुताई, बुआई और खाद पानी के किसी तरह व्यवस्था कर गेहूं की खेती करने वाले किसानों के अरमानों पर प्रकृति की मार पड़ने से उनका बुरा हाल हो गया है। दो दिनों से तेज आंधी पानी के साथ पड़े ओलों से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। जिले के कई क्षेत्रों में अधिक बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे किसान मायूस हो गए हैं। विकास खंड कोथावा ग्राम पंचायत ममरेजपुर गांव के शैलेंद्र कुमार लाल मोहम्मद, राम सेवक मधुरपाल, मुनेन्द्र कुमार, जितेंद्र कुमार जैसे दर्जनों किसानों का कहना है कि इस साल सभी फसलों की अच्छी पैदावार के साथ अच्छी गुणवत्ता की फसल बाजार में आने की पूरी संभावना थी, लेकिन बेमौसम की मार से फसलों की गुणवत्ता को खराब कर दिया गया। बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। मड़ाई के लिए किसानों ने अपने खलियान पर जो फसलें रखी थी वह पानी भर जाने के कारण अब सड़ने की कगार पर पहुंच गई है। गांव के ही निवासी अनुराग ने 6 बीघा में गेहूं की फसल उगाई हुई थी, जिसे बेमौसम की बरसात ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। नष्ट हुई फसल देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। कुछ ऐसी ही पीड़ा अफरोज अली की है, जिनके मुख से शब्द निकलने से पहले ही खेत में गिरी गेहूं की फसल को देख आंसू आ जाते हैं। जिन्होंने 22 बीघा कूद पर लिया था। उप जिलाधिकारी व तहसीलदार संडीला ने बताया कि 33% से ज्यादा हुई फसल नुकसान वाले किसानों को सरकार के दिशा निर्देशानुसार सहायता दी जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम राम सेवक। पिताजी का नाम? सुंदरलाल। गांव कौन सा है? ममरेजपुर। विकास खंड? कोथावा। तहसील? संडीला। क्या समस्या आ गई? समस्या सर यह है कि मतलब हमारा बरसात के कारण गेहूँ जो था वो सब जमीन में गिर गया। बेमौसम बारिश ने जी फसल को चौपट कर दिया जी। लगभग कितने बीघे होगा गेहूं आपका? 3 एकड़ है। तो उसमें से कितने बीघे फसल चौपट हुई है, यानी नुकसान हुआ है? लगभग 2 एकड़ तो पूरा गिर गया। तो सरकार से क्या मांग करेंगे जो नुकसान हुआ है? सरकार से यही मांग करेंगे, मान चलो देख लें उसको जो राहत थोड़ी बहुत दिलाने की कृपा करें। क्या नाम है तुम्हारा? लाल मोहम्मद। पिताजी का नाम? सफदर अली। गांव कौन सा है? ममरेजपुर। विकास खंड? कोथावा। तहसील? संडीला। फसल को लेकर क्या समस्या आ रही है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बारिश से और छोटे छोटे ओलावृष्टि भी हुआ है। तो फसल को लगभग कितने बीघे फसल थी आपकी? फसल तो थी 8-10 बीघे। तो नुकसान कितना हुआ होगा? नुकसान 40%। तो फिर शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जो सरकार सहायता दे दे ये उसके ऊपर है। शैलेंद्र कुमार हमारा नाम है, ग्राम ममरेजपुर, जिला हरदोई, तहसील संदीला, विकास खंड कोथावा। हमारी पानी की वजह से खड़ी फसल को बहुत सा नुकसान हुआ है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि सरकार हम लोगों की फसल का निरीक्षण कराए और जो राहत हो सके, 40% से अधिक नुकसान हुआ है, जो राहत हो सके वो हम लोगों को सहायता दी जाए। तो मेन कारण बारिश का रहा, जिससे आपकी फसल चौपट हुई है? बारिश से हमारी जो फसल को नुकसान हुआ, बारिश हुआ, वो छोटे छोटे पत्थर भी गिरे हैं। नाम अनुराग कुमार, पिताजी का नाम शैलेंद्र कुमार, ग्राम ममरेजपुर, पोस्ट बेनीगंज, थाना बेनीगंज, डिस्ट्रिक्ट तहसील संडीला, जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। क्या समस्या आ गई? समस्या यही आ गई, हमारी बेमौसम बरसात में फसल सारी गिर गई। इसका भी कोई ना देखने आया, ना कुछ करने आया, ना कोई सुनवाई हुई है। अभी जो जल्द में बारिश हुई है उसकी वजह से ये फसल आप? हाँ, उसी में फसल गिरी है, सारी फसल हमारी गिर गई। हमने खेत भी ये पटौता पे लिया है, डिलाही पे। अब बताओ क्या हमको ये बचेगा? कितने बीघे का खेत? ये 12 बीघे है। तो जिसमें लगभग कितनी? 6 बीघे है। 6 बीघे है। फसल कितनी आपकी जो है गिर गई है? हमारी सारी फसल गिर गई है, उसमें 1-1.5 बीघे बची, बाकी सारी फसल गिरी हुई है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है वही उसकी गुंजाइश करते हैं, दे दिए। शासन प्रशासन से यही मांग है हमारी।
सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री राम गोपाल, स्वर्गीय श्री राम गोपाल है, और सर मैं ममरेजपुर ग्राम सभा में मैं रहता हूँ। और सर मैं ये चार भाइयों के नाम, हमारे तीन भाइयों के नाम, ये हमारा खेती है चार बीघे का। क्या क्या नाम है भाइयों के? एक मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, दूसरा लालू प्रसाद है, और तीसरा सुनी कुमार है। सर तीनों भाइयों के नाम ये खेती है सर, और इसमें सारा फसल मेरा नुकसान हो गया है। कैसे ये नुकसान हुआ? बेमौसम बारिश होने के कारण सर पूरा जमीन में गिर गया। ये कितने बीघे का है? ये चार बीघे का सर। कितनी फसल इसमें? इसमें लगभग सर 75% तो खराब ही हो गया है, 25% शायद मिलने वाला है, बाकी सब तो बर्बाद हो गया। तो अभी तक इसकी जो जिम्मेदार राजस्व विभाग के जो अधिकारी लेखपाल जो हैं, इनको अवगत कराया? देखने ही नहीं आया, इधर कोई पहुंचा ही नहीं सर। आज आप आए तो आपके माध्यम से मैं ऊपर को ये सूचना भेज रहा हूँ सर, डाल रहा हूँ। तो हमारा कुछ इसके लिए सरकार से निवेदन है, कुछ हमको राहत की तौर पर कुछ दिया जाए सर। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अफरोज अली। पिता का नाम? अनवर अली। गांव कौन सा है? ममरेजपुर। तहसील? तहसील संदीला है। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या का अब ये सब बारिश हुई गई भैया, सब गिर गवा है, कुछ बच्चा नहीं है, और हम तो कूद खेती ले रहा है, मक्का तो बर्बाद हो गया, हम कहाँ से इसका दे पाए कुछ सरकार। गेहूँ की फसल है? हाँ गेहूँ की फसल है। तो बारिश होने से आपकी फसल चौपट हो गई? सारी चौपट हो गई है। कितने बीघे होगी लगभग फसल आपकी? लगभग 22 बीघा है उसमें। 22 बीघे हैं? हाँ जी 22 बीघा है। तो लगभग कितनी फसल आपकी जो है बारिश की वजह से खराब हो गई? इसमें 5 बीघे बचा है, और सारा सब इधर से उधर हो गया, सब लोड पर सड़ रहा है गेहूँ। अच्छा ये जो खेत है ये आपके नाम है या फिर आप बटाई वगैरह लिए? नहीं हमने कूत लिया है, ये बेनीगंज का खेत है, अर्चना गुप्ता का। हाँ। और कल्लू का। अच्छा बटाई लिए हो? बटाई कूत लिया है। कूत लिए हो। हाँ। तो फिर आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? ये नुकसान सारा हो गया, हम कहाँ से दे पाएंगे? कुछ सरकार अगर सहायता कर देगी तो हम कुछ हमारा जीविका बन जाएगा। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।